वेलकम बैक। हम चौधरी निसार साहब और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स के हवाला दे रहे थे। चौधरी निसार साहब ने एक बहुत बेहतरीन अंदाज में फैसलाबाद में कहा था कि इमरान खान साहब अंपायर्स के साथ मिले हुए हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। इस स्टेटमेंट को आपको दिखाते हैं, आपको आपकी यादें ताज़ा करते हैं और फिर हम इमरान खान साहब का आज जो जवाब आया है चकवाल में वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये थी चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट, इसका जवाब आया इमरान खान की तरफ से चकवाल में। चौधरी निसार, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि एक क्रिकेट मैच में एक विकेट पे दो, एक गेंद पे दो विकेट कैसे गिरती। जब आखिरी बैट्समैन आए तो वो जब आउट होता है दोनों आउट हो जाते हैं। इमरान खान साहब का एक काफ़ी अच्छा जवाब, एक काफ़ी बेहतरीन सवाल का, लेकिन वो सियासत में जवाब हो गया। जवाब अगर सही से ढूंढा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट कितना साथ देती है इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब का क्या रोल है इस इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर में, इमरान खान साहब को क्या वाकई में सपोर्ट मिल रही है पुराने जनरल्स या नए जनरल्स या खुफिया इदारों से या इंटेलिजेंस एजेंसी से, इस मौजू पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ एडमिरल शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, शुक्रिया, आपको इंतज़ार भी करवाया, बहुत माजरत। हम ब्रेक लेने से पहले लेकिन अगर ये दिखा सकें कि इन सारे जलसे जुलूसों के बीच में जो हार्ट ऑफ इट ऑल है लाहौर और पंजाब, पंजाब का ऑब्वियसली प्रोविंशियल कैपिटल लाहौर, वहाँ पे आवाम की क्या तासुरात हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो किसी पार्टी पे भी कुछ ही नज़र नहीं आ रहा हमें, सब खाऊ ही हैं। इमरान खान पे है, सबको चांस मिला उसे भी मिलना चाहिए, ठीक है, कि उसे हमने सबको आजमा लिया, सब ने खाया है, अब एक चांस उसको भी दे के देख लेते हैं। हमें अपना मुस्तकबिल के लिए इमरान खान में आता नज़र, ये बाकी सारे जो हैं फारिग हैं और ये सारा जलसा भी आपके सामने बेसिक इमरान खान का बड़ा हुआ है। गए थे हम एक काफ़ी, उसने अच्छी बातें की हैं जी, और इमरान खान को जीतना चाहिए और उसको आना चाहिए। हमें जी बेसिकली हमें पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। हमने पीपल्स पार्टी को भी देखा और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत को भी देखा और इमरान खान साहब को अभी तक हमने आजमाया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन तीनों में पाकिस्तान के लिए बेटर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत बेहतर है। इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला करे कि वो जिस तरह शौकत खानम चला रहे हैं उनकी हुकूमत आए और वो पूरा मुल्क इस तरह चलाएं जी। वेल, जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं पाकिस्तानियों को। मेरे ख्याल में इमरान खान इज़ द बेस्ट, क्योंकि हम देखें, हम नवाज शरीफ साहब को भी आजमा चुके हैं पहले और जरदारी साहब तो आपके सामने अब जो हुकूमत चल रही है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है। सर, ये तो अपना पहले अपना मुस्तकबिल बना लें फिर अवाम का बनाएं। हमारा सारे मोहल्ले में हमारे यार दोस्त जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे ऑफिस के कुलीग हैं जितने भी, हम सब ने एक ही फैसला किया है, हम इमरान खान साहब को वोट डालेंगे, इंशाल्लाह उनको ही अपना लीडर बनाएंगे। दोनों पार्टियों को देख चुके हैं हम, तो इन्होंने वैसे कुछ नहीं कर दिखाया, वैसे हमें नई क़यादत देखनी चाहिए ये क्या करती है। हमें तो इस टाइम तीनों पार्टियों से कुछ नहीं नज़र आता है, जेन्युइन बताऊं। बात यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि हम लोगों को तो टाइम ही नहीं कोई मिलता। हमें ये पता है कि हमने बिजली का बिल कहाँ से देना है, हमने बच्चों की फ़ीसें कहाँ से देनी है, हमने रोटी कहाँ से पूरी करनी है। ना ये हमें नवाज शरीफ दे सकता है, ना ये हमें इमरान खान दे सकते हैं, ना ये हमें बेनज़ीर दे सकते हैं। हमने अपने बलबूते के ऊपर कहाँ से करना है हमें नहीं पता। लाहौर की आवाम के तासरात आपने जाने। एक ब्रेक के बाद हम एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब से पूछने की कोशिश करेंगे इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर इमरान खान साहब की क्या रिलेशनशिप है और उनके नज़रिए में आगे क्या होने जा रहा है। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक, की पहुँचेंगे।